ん

रिपर्णा शेखर सिंह शेखर सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सिलेक्शन के लिए कमलेश शिखा मिश्रा लालू गुड मॉर्निंग एवरीवन वन रसिका गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज की तारीख यहाँ पर बनती है ट्वेंटी थर्ड ऑफ दिसंबर तो आज की करंट अफेयर्स की यहाँ पर करते हैं शुरुआत आयुषी थैंक यू सो मच हैव अ वंडरफुल डे आपके लिए भी और आयुषी कुरुपा सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग एक बार जल्दी से, से सेशन की लिंक को यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा जहां कहीं भी आप लोग सेशन के लिंक को शेयर कर सकते हैं डू इट फास्ट फटाफट से शेयर कर दीजिए सेशन की शुरुआत में ही और फटाफट से सेशन को यहां पर लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग रेगुलर बेसिस पर जुड़ते हैं डेली बेसिस पर जुड़ते हैं फटाफट से सेशन को लाइक यहाँ पर कीजिएगा शुरुआत हम डेली बेसिस पर अपने सेशन की मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ करते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं सेशन की शुरुआत मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ कीर्ति ध्रुव जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विवेक वाघेला जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तनु सभी को गुड मॉर्निंग राठौर अंशिका गुड मॉर्निंग नमिता विवेक वाघेला सभी को गुड मॉर्निंग बहुत ही शानदार लाइनें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं लिखा है सक्सेस डिपेंड्स अपॉन प्रीवियस प्रिपरेशन एंड विदाउट सच प्रिपरेशन देर इज श्योर टू बी फेलियर कहने का मतलब यह है कि जो हमें सफलता हासिल होती है वो सफलता कोई लक नहीं होता वो सफलता हमें अचानक नहीं मिल जाती सफलता डिपेंड करती है कि हमने उस सफलता को हासिल करने के लिए पहले यानी कि प्रीवियस क्या क्या प्रिपरेशन की थी क्या क्या तैयारियां की थी तो आपकी सफलता आपके द्वारा प्रीवियसली की गई तैयारियों पर डिपेंड करती है प्रिपरेशन पर डिपेंड करती है और अगर आप किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो यहां पर असफलता होना लाजमी है या असफल होना स्वाभाविक है तो बेसिकली तैयारियां जरूर कीजिए सफलता मिलेगी या नहीं ये बात की बात है लेकिन हम उसे उसके लिए तैयारी ही ना करें यह तो गलत बात है तो हमें आगे आने वाले ड्रीम्स के लिए पहले से तैयार रहना है पहले से प्लानिंग करनी है पहले से प्रिपरेशन करनी है और अपना हंड्रेड परसेंट यहां पर देना है तो सफलता भी हंड्रेड परसेंट आपको यहां पर मिलेगी बात समझ में आ रही है सभी को गुड मॉर्निंग एवरीवन शुरुआत करें सेशन की ओके okay, ब्रजेश पांडे जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ सबसे पहले देखेंगे कि हम सेशन में क्या क्या यहां पर डिस्कस करने वाले हैं चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन का होमवर्क देन देखेंगे आज क्या है खास जी हाँ टूडेज स्पेशल आज क्या है खास आज का इतिहास आज कुछ तो ऐसा होना चाहिए डे के हिसाब से कि कुछ इंपॉर्टेंट होगा हिस्ट्री में कुछ ऐसा होगा इंपॉर्टेंट डेज में कुछ ऐसा होगा तो वो हम देखेंगे टुडेज स्पेशल वाले पार्ट में जिसके बाद हम देखेंगे हेडलाइंस ऑफ द डे आज की टॉप हेडलाइंस एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे लगभग 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का डिस्कशन करेंगे आप सभी को ये काम करना है कि फिफ्टीन एम के डिस्कशन के दौरान आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट करें नोट डाउन no करते हुए चलिएगा ठीक है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद आपको बताना है आउट ऑफ फिफ्टीन आपने कितने क्वेश्चन यहां पर करेक्ट किए हैं आपको अपना स्कोर कार्ड यहां पर पब्लिश करना होगा ओके okay. इसके बाद हम लोग आ जाएंगे करंट अफेयर्स न्यूज वाले सेक्शन पे स्टैटिक फैक्ट साथ ही साथ डिस्कस होंगे और सेशन के लास्ट में होगा होमवर्क आप सभी के लिए आगे बात करते हैं सबसे पहले होमवर्क का डिस्कशन फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा इन तीनों ही प्रश्नों के ये लास्ट सेशन के होमवर्क लास्ट सेशन में मैंने आप सभी को जो होमवर्क दिया था ये वही है क्वेश्चन नंबर वन रॉट द बुक जिसका नाम है विनिंग द इनर बैटल विनिंग द इनर बैटल पुस्तक के लेखक आपके यहां पर कौन है पहला प्रश्न फटाफट से आंसर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर सेकंड हु बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस इस किताब के लेखक यहां पर कौन बनते हैं क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन इज हुजाते चंद लम्हे और कुछ खामोशिया कि रिलीज किसने किया है क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन ये है फटाफट से आंसर देना यहाँ पर शुरू कीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्द ही हम लोग टेन सब्सक्राइबर्स के मार्क को यहाँ पर टच करने वाले हैं माइलस्टोन को टच करने वाले हैं जिसमें आप सभी का प्यार है आप सभी का ट्रस्ट है तो जो भी लोग डेली बेसिस पर जुड़ रहे हैं और सेशन को आ, अभी तक लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा और चैनल को यहां पर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से लास्ट सेशन के होमवर्क के क्वेश्चन फटाफट से आंसर यहां पर दीजिएगा जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं सभी लोग शेखर को कॉन्ग्रेचुलेशन यहां पर दे रहे हैं तो शेखर को हमने भी अपनी तरफ से बधाइयाँ यहां पर दे दी हैं लास्ट डे ही आपका यस्टरडे ही आपका यहाँ पर ग्रुप डी का रिजल्ट आपका यहाँ पर आउट हुआ है और वहां पर शेखर का सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है चलो बहुत ही बढ़िया विनिंग द इनर बैटल इसके राइटर जो आपके यहाँ पर बनते हैं ऑस्ट्रेलियन जो आपके क्रिकेटर हैं पूर्व क्रिकेटर सेंट वॉटसन ये उनकी किताब आपके यहाँ पर बनती है सेकंड uh, किताब के जो राइटर आपके यहाँ पर बनते हैं वो भारत के एक बहुत ही जाने मानी पर्सनैलिटी है बिमल जलान साहब उनके द्वारा एंड थर्ड वन मुस्कुराते चंद मुस्कुराते चंद लम्हे और uh, कुछ खामोशियाँ इस किताब को रिलीज़ किसके द्वारा किया गया बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं फेमस पर्सनैलिटी ठीक है लिख मुझे बताइए पर्सनैलिटी का नाम चलो आगे बात करते हैं चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे देखेंगे कि आज क्या है खास टुडेज स्पेशल तो बेसिकली आज बर्थ uh, एनिवर्सरी है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की और चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को हम किस तौर पर मनाते हैं तो ये मनाया जाता है किसान दिवस के तौर पर फार्मर्स डे के तौर पर भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान यहाँ के अन्नदाता हैं तो कहीं ना कहीं uh, चौधरी चरण सिंह जी की बात करें ये भारत के पांचवें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पांचवें चीफ मिनिस्टर भी रहे थे किसानों के लिए इनकी पॉलिसियां काफी अच्छी थी और किसानों के बीच में चौधरी चरण सिंह जी काफी लोकप्रिय थे इनके नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में मौजूद है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो किसानों के नेता कहे जाते थे किसानों से काफी लगाव था किसान इन्हें काफी पसंद करते थे दैट्स कि इनकी जयंती को यहाँ पर आ, किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है इनके रेस्टिंग प्लेस को यानी कि समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है फटाफट से लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा फटाफट से लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है तो ये है आज क्या था खास या टूडे स्पेशल अब हम लोग आ जाएंगे सीधा एम वाले पार्ट पर लेकिन एम का डिस्कशन करने से पहले देखेंगे आज की टॉप हेडलाइंस इन पर डालते हैं एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस करीब करीब आठ से नौ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं जिन पर हम लोग करेंगे डिटेल में डिस्कशन करंट अफेयर्स न्यूज लेकिन एमसीक्यूज वाले पार्ट के बाद तो पहले नजर डालते हैं एम के माध्यम से आज की टॉप हेडलाइंस पर फिल्म आरआरआर और द लास्ट फिल्म शो ने हासिल की बड़ी उपलब्धि ऑस्कर 2023 के लिए हुई शॉर्टलिस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में भारत की तीन नई साइट सूर्य मंदिर और वार्डनगर सिटी भी शामिल आईपीएल की वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर के पार हासिल किया डेकाक्रॉन का दर्जा रिलायंस ने लॉन्च किया अपना एफएमसीजी ब्रांड गुजरात में शुरू हुआ इंडिपेंडेंस का पहला आउटलेट इंडियन नेवी को मिली फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आईएनएस एन समुद्र के अंदर ही दुश्मन के शिप को कर देगी ध्वस्त ओके तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज के साथ सेशन को यहां पर कर दीजिएगा एक बार जल्दी से लाइक एमसीक्यूज़ वाले वाले पार्ट शुरू करने वाले हैं तो फटाफट से सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं बेस्ट सिनेमेटोग्राफीगरी सिंपल सा क्वेश्चन है कल हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया था आप सभी के साथ कि कि किस फिल्म को किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए Uh, उस कैटेगरी में 2022 फिलाडेल्फिया फिल्म क्रिटिक्स सर्किल वार्षिक पुरस्कार से आपका यहां पर सम्मानित किया गया है फिल्म का नाम आपका यहां पर क्या बनेगा पांच ऑप्शन सही जवाब फिल्म का नाम बनेगा आर 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 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है वेरी गुड एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड रिसेंटली रेहान अहमद बिकम द यंगेस्ट मैं टेस्ट क्रिकेटर टू टेक अ फाइव विकेट हॉल ऑन डेब्यू ही प्लेस फॉर विच कंट्री सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है कि रेहान अहमद की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इन्होंने अपने डेब्यू पर इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू पर इन्होंने पाँच विकेट हॉल अपने नाम किया ये अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है ये किस देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर आपके यहाँ पर बनते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका क्वेश्चन नंबर सेकेंड आंसर मुझे बताएगा सही जवाब क्या बनेगा सभी लोग मैगजिम लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंग्लैंड तो ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड इज द राइट आंसर हेयर वेरी गुड क्वेश्चन नंबर थ्री द स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली वॉन द प्लेटिनम अवार्ड एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड टू आराम से रीड कीजिएगा और बताएगा सही जवाब स्कीम द स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम को हाल ही में प्लेटिनम अवार्ड यहां पर दिया गया है एट डिजिटल इंडिया अवार्ड्स में राज्य सरकार का नाम यहां पर क्या बनेगा राज्य सरकार का नाम यहां पर क्या बनेगा फटाफट से लिखकर मुझे बताइएगा ओके सही जवाब यहां पर बनेगा वेस्ट बंगाल द्वारे सरकार स्कीम को यहां पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर वेस्ट बंगाल यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा नेक्स्ट करीम बेंजेमा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल फुटबॉल आफ्टर द फीफा वर्ल्ड कप 2022 एंडेड ही प्लेज फॉर विच कंट्री यानी किस देश के लिए खेलने वाले एक प्रसिद्ध क्रिकेट प्रसिद्ध फुटबॉलर है इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा यहाँ पर की है और ये अपनी टीम के लिए टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे फीफा वर्ल्ड कप का क्योंकि ये चोटिल हो गए थे और इनकी टीम फाइनल तक पहुंची थी और फाइनल में उस टीम को अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा फ्रांस यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा जितने भी लोगों ने फ्रांस आंसर यहां पर किया है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है यहीं पर एक और प्रश्न पुटअप होता है कि फ्रांस के किस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है कतर 2022 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच में अर्जेंटीना के खिलाफ यहां पर गोल्स की हैट्रिक लगाई है फाइनल में ये कहते हैं एक रिकॉर्ड है कि फाइनल्स में हैट्रिक हैट्रिक गोल्स की है यहां पर लगाने वाले खिलाड़ी का नाम मुझे फटाफट से लिखकर बताइएगा जिन्होंने फ्रांस की तरफ से तीन गोल किए लेकिन पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा इन्हें गोल्डन बूट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया खिलाड़ी का नाम है क्लियन एम्बापे ओके हाँ वेरी गुड वेरी गुड एवरी वेरी गुड वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फ्रांस जितने भी लोगों ने आंसर दिया है वो यहां पर बिल्कुल सही है गुड मॉर्निंग कोमल शर्मा जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग डियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव नेशनल हीरो नायक भैरव सिंह राठौर ऑफ फोर्टींथ बीएसएफ बटालियन रिसेंटली पासड अवे ही वाज़ अवार्डेड अवार सेना मेडल फॉर हिज ब्रेवरी इन विच बैटल भैरव सिंह राठौर जिनका किरदार प्ले किया था बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी साहब ने 1971 में किस बैटल में इन्होंने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और यहाँ पर सेना पदक भी सेना मेडल भी आपका यहाँ पर जीता तो किस बैटल में उन्होंने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया तो द बैटल ऑफ लोंगेवाड़ा जिसके ऊपर प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म बॉर्डर फिल्म आपकी यहाँ पर बनी हुई है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ टू पॉइंट सिक्स सिक्स करोर्स ऑन बैंक ऑफ बहरीन एंड बी एस सी इंडिया ऑपरेशन दोनों बैंक है वो किस लिए इम्पोज की गई है ठीक है किन दिशा निर्देशों का पालन इन बैंकों ने नहीं किया है ऑप्शन नंबर ए नॉन कम्प्लाइंस विध प्रोविजन ऑफ आरबीआई प्रोविजंस को यानी कि उनके नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया Question, है साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया और फिफ्थ ऑप्शन इज सरफासी एक्ट ऑप्शन नंबर सी सरफासी एक्ट को फॉलो नहीं किया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को फॉलो नहीं किया या फिर नन ऑफ दीज अब मुझे बताएगा कि सही जवाब इस प्रश्न का क्या बनेगा फटाफट से लिखकर बताइएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर मुझे फटाफट से बताएगा कि क्या बनेगा सही जवाब इस क्वेश्चन का है कि उन्होंने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के कॉम्प्लाइंस को नहीं फॉलो uh, किया था तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हेयर मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ ही आंसर यहां पर कर रहे हैं वेरी गुड एवरीवन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन एज ऑफ 31st of March 2022, the country's top 50 willful defaulters on हाउ मच टू द इंडियन बैंक विलफुल डिफॉल्टर्स के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि हम विलफुल डिफॉल्टर्स ऐसे लोगों को कहते हैं जिनके ऊपर काफी कर्ज होता है काफी ऋण होता है काफी डेट होता है उन्होंने भारतीय बैंकों से काफी सारा लोन यहाँ पर ले रखा है और वो उस लोन को पे कर सकते हैं रीपे कर सकते हैं यानी कि अगर मैं बात करूँ कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी सारी संपत्ति है काफी सारी अर्निंग्स हैं काफी सारी असेट्स हैं काफी रिच है और उसके ऊपर एक लोन है लेकिन वो जानबूझ उस लोन को रीपे नहीं कर रहा है यानी कि

सही जवाब है 92,570 करोड़ थाउजेंड टोटल अमाउंट है जो कि विलफुल डिफॉल्टर्स भारत के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के पास अभी भी बकाया पड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट रिसेंटली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स ऑफ विच सिटी इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स ऑन द हॉस्पिटल प्रमाइसिस यानी कि हॉस्पिटल प्रमाइसिस के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन यहां पर लगा दिया है किस शहर के एम्स ने पटना न्यू दिल्ली रायपुर भुवनेश्वर और जोधपुर अब यहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब जिसका इस्तेमाल एक ही बार होता है लाइक प्लास्टिक कप प्लास्टिक स्ट्रॉ प्लास्टिक के और भी दूसरे आइटम जिन्हें हम एक बार यूज करते हैं देन हम उन्हें फेंक देते हैं इस तरीके के प्लास्टिक आइटम्स को जिन्हें हम सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पर बोलते हैं इस पर बैन यहाँ पर लगा दिया है तो ये एम्स जो आपका यहाँ पर बनता है वो किस शहर का एम्स अस्पताल यहाँ पर बनेगा पांच ऑप्शन सही जवाब बनेगा न्यू डेली एम्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है अब बात यहां पर जब न्यू डेली एम्स की यहां पर हो रही है तो न्यू डेली में जो एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो आपका यहां पर मौजूद है आपको याद होगा कि भारत में सबसे पहले कोविड नाइन्टीन की जो वैक्सीन लगाई गई थी वो सबसे पहले न्यू डेली एम्स से ही आपकी शुरू की गई थी और हिंदुस्तान में जो वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुई थी उसमें मनीष कुमार ये डेली एम्स से ही बिलोंग करते हैं मनीष कुमार ठीक है वहां पर एक सेनिटेशन वर्कर है यानी कि सफाई कर्मचारी है डेली एम्स में वहां पर उनको भारत की सबसे पहली वैक्सीनेशन लगाई मतलब वैक्सीन यहां पर लगाई गई थी कोविड uh, का प्रकोप फिर से शुरू हो रहा है कुछ नए वेरिएंट्स चाइना में निकलकर सामने आए हैं तो आगे आने वाले भविष्य में आपको थोड़ा सा सुरक्षित और सतर्क रहने की जरूरत है सतर्क रहें सावधान रहें सुरक्षित रहें ठीक है इसके साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो नई दिल्ली का एम्स अस्पताल है ये भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल प्रोमाइसिस आपका यहाँ पर बनता है जिनका अपना खुद का फायर डिपार्टमेंट है या वहाँ पर खुद का फायर सेंटर है ठीक है फायर ब्रिगेड का सेंटर वहां पर मौजूद है तो ऐसा पहला हॉस्पिटल भी आपका यहां पर कौन था न्यू दिल्ली एम्स ही था तो ये सारी चीजें साथ साथ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन विच कंपनी हैज मैन्युफेक्चर फर्स्ट ग्रीन स्टील रिसेंटली लॉन्च बाई स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया कंपनी का नाम आपको यहां पर बताना है कि इस कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन स्टील यहां पर प्रोड्यूस किया है जिसको लॉन्च किया है आ, आ, हमारे जो स्टील मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा अब इसे ग्रीन स्टील यहां पर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इस स्टील को बनाने के के लिए एनर्जी के एनर्जी एनर्जी तौर पर रिन्यूएबल रिन्यूएबल का इस्तेमाल किया गया है नवीकरणीय ऊर्जा जिससे पॉल्यूशन ना के बराबर होता है लाइक सोलर एनर्जी लाइक विंड एनर्जी तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी से इस स्टील को प्रोड्यूस किया गया है जिससे कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर हुआ है कल्याणी ग्रुप के साथ मैक्सिमम लोगों ने आंसर यहां पर दिया है ऑप्शन नंबर डी कल्याणी ग्रुप सही है और इस स्टील को क्या नाम दिया गया है नाम भी मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा इस स्टील को क्या नाम दिया गया है फटाफट से यह भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मेरा यहां पर पुटअप होगा अभी कुछ ही समय पहले विद इन ईयर भारत की पहली स्टील से निर्मित सड़क स्टील रोड गुजरात के किसी शहर में टेस्टिंग के तौर पर बनाया गया था फटाफट से उस शहर का नाम भी लिखकर बताएगा भारत का पहला स्टील रोड वहां पर लगभग एक किलोमीटर का स्टील रोड आपका बनाया गया था टेस्टिंग के तौर पर ग्रीन स्टील का नाम क्या बनेगा कल्याणी फेरिस्ता है ना ये स्टील का नाम बनेगा कल्याणी फेरिस्ता नॉट ओनली फेरिस्ता कल्याणी फेरिस्ता और सूरत शहर में भारत का पहला स्टील रोड आपका यहाँ पर निर्मित किया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें तो स्टील मिनिस्ट्री के साथ साथ इनके पास एविएशन मिनिस्ट्री भी है ये भी याद रखिएगा है ना चलो बहुत बढ़िया कल्याणिंग ग्रुप ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है वेरी गुड एवरीवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन एज पर द डाटा प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन द नोट इन सर्कुलेशन हैज विटनेस्ड एन एनुअल ग्रोथ ऑफ व्हाट परसेंटेज एज ऑफ टू दिस एज ऑफ सेकंड ऑफ दिसंबर 2022 ये एक सीरियस क्वेश्चन है इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लोकसभा में जो बयान दिया गया है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर उन पर आधारित है कि हमारे देश में अभी हाल ही में दो दिसंबर को जो बयान यानी कि दो दिसंबर तक के डेटा की बात करें तो हमारे देश में जो करेंसी नोट है वो सर्कुलेशन में है उसमें जो वार्षिक वृद्धि देखी गई है पिछले साल के मुकाबले इस साल तो यहाँ पर जो करेंसी नोट सर्कुलेशन में है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इस न्यूज पर हम करेंगे आज डिटेल डिटेल में में डिस्कशन कल इस न्यूज़ को हम डिस्कस नहीं कर पाए थे क्योंकि समय कम था वैसे आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फटाफट से आंसर यहाँ पर करिएगा कि इसका सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा सही जवाब सेवन पॉइंट नाइन एट परसेंट जो कि लगभग बनता है आठ परसेंट लगभग बनता है आठ परसेंट पिछले साल के मुकाबले इस साल यहां पर जो वृद्धि देखने को मिली है सेवन पॉइंट ट की वृद्धि देखने को मिली है तो यह भी आप लोग साथ ही साथ याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ऑफ टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन मैथमेटिशियन ये आप सभी को अच्छे से पता है कि कल यहां पर आपका नेशनल मैथमेटिक्स डे आपका यहां पर सेलिब्रेट किया गया बाईस दिसंबर को किसकी जयंती होती है भारत के जाने माने गणतज्ञ आर्यभ पीसी महालोनविस वरा मेहर या फिर श्रीनिवास रामानुजन और ननोबिस पांच ऑप्शन आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है करेक्ट आंसर बनेगा श्रीनिवास रामानुजन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व गवर्नमेंट हैज अकॉर्डेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर दैटिंग अप ऑफ हाउ मैनी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट अक्रॉस द कंट्री रिसेंटली ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स किन्हीं कहते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऐसे एयरपोर्ट को कहा जाता है जो कि पूरी तरह से न्यूली डेवलप होता है न्यूली क्रिएटेड होता है और ऐसी लोकेशन पर क्रिएटेड होता है जहाँ पर बेसिक इंफ्रा मौजूद नहीं होता फॉर एग्जाम्पल ऐसे एयरपोर्ट्स को शहर के बाहर जहाँ पर बेसिक इंफ्रा यानी कि जैसे कि बिजली पानी या फिर प्रॉपर पर एक सड़क इस तरीके की चीजें ना के बराबर मौजूद होती हैं आसपास कोई खास इंफ्रा नहीं होता बंजर जमीन है दूर दूर तक कोई भी रिहायशी इलाका या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं होती ठीक है तो ऐसे खाली जगह पर वीरान इलाके में उस इलाके को डेवलप करने के लिए ग्रीन एयरपोर्ट को स्टैब्लिस यहां पर किया जाता है इसी की तरह ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भी आपका यहां पर होता है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बेसिकली इंफ्रा के अंदर यानी कि अगर हम किसी शहर के अंदर या किसी शहर के आसपास ही जहां पर बेसिक इंफ्रा मौजूद है या शहर के बाहर या शहर से लगा हुआ शहर के आसपास या शहर के अंदर अगर हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं जहां पर सारा का सारा बेसिक इंफ्रा मौजूद है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट आपके यहां पर बनेंगे तो यहां पर ग्रीन एयरपोर्ट हाल ही में जो बनाने के लिए घोषणा यहां पर की गई है तो टोटल ट्वेंटी वन ग्रीन एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है लाइक डोनी पोलो एयरपोर्ट बिल्कुल सही कहा अर्पित ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन च स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ये एक नाम है अरुणोडोई अरुणोडोई 2.0 पॉइंट ज़ीरो आ स्पेशल स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज का मतलब है आर्थिक रूप से जो वंचित हैं जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है यानी कि जो गरीब है बेसिकली इकोनॉमिकली वीक है ऐसे लोगों के लिए ऐसे परिवारों के लिए एक विशेष योजना अरुणोई 2.0 पॉइंट जीरो पर जो शुरू की है किस राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है फटाफट से लिखकर मुझे यहां पर बताइएगा इस योजना को कहां पर शुरू यानी कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है तो आंसर बनेगा पूर्वोत्तर में असम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन in the global food security index 2022 report india is ranked 68 भारत की रैंक इस इंडेक्स में 68 रही along with which country with an overall score of 58.9 score is not important कि आपको इसको लर्न नहीं करना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको यह याद रखना है कि भारत 68वें स्थान पर रहा अगर मैं फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की बात करूं तो भारत के साथ साथी एट्थ पोजीशन पर और कौन सा कंट्री भी था पाकिस्तान चाइना सूडान नॉर्थ कोरिया और अल्जीरिया भारत सिक्सटी एट्थ भारत की रैंक यहां पर रही अड़सठवीं रैंक भारत की रही तो भारत के साथ साथ कौन सा देश है जिसका स्कोर फिफ्टी है और भारत के साथ साथ वो भी सिक्सटी एट पर है तो इंडिया के साथ साथ अल्जीरिया था जो कि सेम पोजिशन पर मौजूद था क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम इज फिट एट एनी एज फिट एट एनी एज ये किताब का टाइटल है किताब का नाम है इस किताब के लेखक आपके यहां पर कौन बनते हैं लेखक की तस्वीर आपके सामने है फटाफट से मुझे बताइएगा इस किताब के राइटर हाँ फर्स्ट पोजीशन फिनलैंड की थी लास्ट पोजीशन रितु तिवारी सीरिया की थी ठीक है करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा

आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूं कि पूरा का पूरा स्कड्यूल कि अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशंस की या दूसरे एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली अभी हम पीओ और क्लर्क एसबीआई पर टारगेट करते हुए आप सभी के लिए सेशंस डेली बेसिस पर रन हो रहे हैं सुबह सात बजे द हिंदू एडिटोरियल और ये यशी मैम के साथ आप यहाँ पर डेली बेसिस पर कनेक्ट कर सकते हैं और यशी मैम के साथ ही आप सुबह दस बजे मंडे टू फ्राइडे कनेक्ट करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ओके डेली करंट अफेयर्स की टाइमिंग सुबह आठ बजे है मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे एंड प्लस सैटरडे सैटरडे को आपको यहां पर फिफ्टी प्लस वीकली करंट अफेयर्स यहां पर क्वेश्चंस का रिवीजन देखने को यहां पर मिलेगा तो सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी सैटरडे को भी आपको क्लास यहां पर मिलेगी और 50 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन हम लोग करेंगे यानी कि वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन सैटरडे को आठ बजे ही टाइमिंग आपकी यहां पर रहेगी अच्छा थर्सडे और फ्राइडे वीक में दो दिन हफ्ते में दो दिन दोपहर दो बजे डी जी के का सेशन है जी के के माध्यम से हम लोग लास्ट सिक्स मंथ के वन थाउजेंड प्लस एम सी क्यूज़ का रिविज़न यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आप अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो पाएँ तैयार हो पाएँ ठीक है तो अगर आप यहां पर 1000 प्लस एमसीक्यूज का रिवीजन जीके सेशन दोपहर दो, दो बजे जुड़ना चाहते हैं तो हफ्ते में दो दिन मंडे और फ्राइडे यानी कि ये सेशन आज होगा मैथ्स के लिए आपको जुड़ना है प्रबल सर के साथ सुबह नौ बजे और रीजनिंग के लिए आपको जुड़ना है मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पर सुबह ग्यारह बजे ये सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हमारे माध्यम हम से हमारी टीम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचेगी क्लियर है ओके राठौर जी ने बारह क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं वेरी गुड रंजन झा जी ने चौदह प्रश्न यहाँ पर करेक्ट किए हैं वेरी गुड चलिए आप लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पर किया है चलिए अब आते हैं न्यूज वाले पार्ट पर और डिस्कशन यहाँ पर करते हैं शुरू न्यूज वाले पार्ट का डिस्कशन यहाँ पर शुरू करते हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी के सामने है और इस न्यूज की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी इससे रिलेटेड ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले भी रीड कर चुके हैं पहले भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म आरआरआर, फिल्म आरआरआर एंड द लास्ट फिल्म शो जिसे छेलो शो के नाम से भी जाना जाता है इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर 2023 के लिए फिल्मों के तौर पर नहीं कैटेगरी अलग है कैटेगरी अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है हम उस पर डिस्कशन करेंगे लेकिन ये दोनों फिल्में यहां पर शॉर्टलिस्ट हुई हैं ऑस्कर 2023 में आरआरआर और पेन नलिन की छैलो चेलो शो का मतलब ही होता है द लास्ट फिल्म शो है ना तो नाम दोनों एक ही है ऑस्कर अवार्ड्स को अकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है तो नाइनटी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड के लिए यहां पर इन दोनों ही फिल्मों को सिलेक्ट किया गया है आर 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 ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज राइज रोर एंड रिवॉल्ट ये आर 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 का फुलफॉर्म है इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है द बेस्ट ऑरिजिनल सॉन्ग फॉर द फुट टैपिंग सॉन्ग नाटू नाटू ये गाना आप सभी ने फिल्म में जरूर देखा होगा रामचरण और जूनियर एन टी आर नाटू नाटू सॉन्ग पर डांस करते हुए आपने जरूर देखा होगा तो इस गाने के लिए इस सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में यहां पर फिल्म को नॉमिनेट किया गया है क्लियर है मेरी बात क्लियर है मेरी बात देन से यस क्लियर है ओके okay. आगे बात करते हैं ओके इन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी नाटू नाटू वा शॉर्ट लिस्टेड अमंग द फिफ्टीन सॉन्ग इंक्लूडिंग यानी कि जो नाटू नाटू सॉन्ग को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया है ऑस्कर के लिए तो ये सॉन्ग दुनिया भर के टॉप फिफ्टीन सॉन्ग्स में से एक है या दुनिया भर के पंद्रह सॉन्ग्स में से इंक्लूडेड है या उसमें शामिल है ठीक है आप फिल्म के कुछ स्टेप्स यहां पर देख सकते हैं ठीक है चलिए अब यहां पर हम बात करें किन किन फिल्मों की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अवतार द वे ऑफ वाटर नथिंग इज लॉस्ट ये गाना भी इसमें शामिल था टॉप गन का गाना भी शामिल था द अ मैन कॉल्ड ऑट्स ऑटोस टिल यू आर होम वाइट नॉइजेज न्यू बॉडी ये गाना है इसको टॉप गन इसके अलावा ब्लैक पेंथर के गाने वाकंडा फॉर लिफ्ट मी अप ये सब गाने इसमें शामिल हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन्हीं गानों में से नाटू नाटू सॉन्ग को भी इसी में शामिल किया गया है नॉमिनेट यहां पर करने के लिए छेलो शो की बात करें ऑन द अदर हैंड इज शॉर्ट लिस्टेड इन द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी इनकी कैटेगरी अलग है इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में छेलो शो को यहां पर शॉर्टलिस्ट किया गया है नाइन्टी फिफ्थ अकेडमी एक चीज याद रखिएगा अभी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है अवार्ड नहीं मिला है नॉमिनेशन फ़ाइल हुआ है शॉर्टलिस्ट किया गया है अवार्ड मिलता है फाइनली कि नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा जब ऑस्कर अवार्ड्स फाइनली सामने आएंगे या दिए जाएंगे नाइन्टी फिफ्थ अकेडमी अवार्ड्स याद रखिएगा कि 2023 में जो ऑस्कर सेरेमनी यहाँ पर होने वाली है वो उसका जो एडिशन है वो तेईसवा एडिशन आपका यहाँ पर बनेगा हेल्ड एट डोल थिएटर इन हॉलीवुड ऑन मार्च ट्वेल्व यानी कि अगले साल बारह मार्च को डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड में अमेरिका में नाइनटी फिफ्थ अकेडमी अवॉर्ड आपके यहां पर दिए जाएंगे इवेंट आपका कंडक्ट होगा क्लियर है ओके okay. आगे बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यह आपकी यहां पर रिलीज हुई है जिसमें कुछ भारतीय साइट्स को यहां पर शामिल किया गया है रिसेंटली थ्री यानी कि तीन ऐसी भारत की हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें ऐड किया गया है एक चीज याद रखिएगा ये टेंटेटिव लिस्ट है टेंटेटिव लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं होती है पहले आप तस्वीरों में देखेंगे इन तीन लोकेशंस को इन तीन लोकेशंस को जहां पर जिन लोकेशंस को साइट्स को यहां पर टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है टोटल इनकी संख्या तीन है यह भी याद रखिएगा सन टेंपल ऑफ मोढेरा गुजरात सेकेंड है वार्डनगर टाउन फ्रॉम गुजरात तो दो लोकेशन आपकी यहां पर गुजरात से हैं। और तीसरी है रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी ऑफ त्रिपुरा तो तीसरी लोकेशन आपकी त्रिपुरा से यहां पर बनती है तीनों ही तस्वीरें आपके सामने रही तो पहला है टोटल तीन है नंबर वन द सन टेम्पल कोणार्क में एक सूर्य मंदिर है वो एक अलग चीज है यहां पर सन टेम्पल मोढेरा गुजरात में मौजूद है लोकेशन इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है और स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि सन टेम्पल गुजरात में किस लोकेशन पर सन टेम्पल मौजूद है तो मोढेरा देन आ जाएगा वाडनगर टाउन वाडनगर कस्बा गुजरात का वाडनगर आपने नाम सुना भी होगा एंड थर्ड वन इज रॉक कट रिलीफ स्कल्पचर्स ऑफ़ उनाकोटी ऑफ त्रिपुरा तो तीसरी लोकेशन यहाँ पर त्रिपुरा की है तो ये तीनों को यहाँ पर टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है और इसके साथ ही इंडिया नाउ हैज़ 52 टू साइट्स ऑन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट इसके साथ भारत की बावन यानी कि 52 साइट्स अब टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है टेंटेटिव लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें उस कंट्री की सरकार या गवर्नमेंट ऐसी साइट्स को शामिल करती है या लिस्ट करती है जो भविष्य में यहाँ पर परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा हासिल कर सकती है तो ऐसी साइट्स को यहाँ पर रखा जाता है नॉमिनेट किया जाता है तो टेंटेटिव लिस्ट में अभी इनको शामिल किया गया है फाइनली इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह नहीं मिली है जैसा कि यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट इज एन इन्वेंट्री ऑफ दोज प्रॉपर्टीज विच ईच नेशन इंटेंट्स टू कंसिडर फॉर द नॉमिनेशन यानि कि टेंटेटिव लिस्ट में से ही साइट्स को नॉमिनेट किया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा देने के लिए तो उनको पहले टेंटेटिव लिस्ट में रखा जाता है टेंटेटिव डेट्स भी आपने सुना होगा आप लोग के फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर लिख कर आता है टेंटेटिव लिस्ट या टेंटेटिव डेट्स यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये डेट्स हो सकती हैं लेकिन इन डेट्स में बदलाव भी हो सकता है तो जो भी साइट्स इसमें शामिल हैं उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए सरकार की तरफ से भेजा जा सकता है और नहीं भी नॉमिनेट किया भी जा सकता है और नहीं भी

इन तीनों साइट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं पहला है द सन टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा ये जो बेसिकली टेम्पल है डेडिकेटेड टू सूर्यदेव यानी कि भगवान सूर्य को ये जो मंदिर है वो आपका समर्पित है अर्लीस्ट सच टेम्पल्स विच सेट द ट्रेंड्स इन आर्किटेक्चुरल एंड डेकोरेटिव डिटेल्स रिप्रेजेंटिंग दी सोलंकी स्टाइल एट इट्स बेस्ट तो बेसिकली इस मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये सोलंकी शैली में बना हुआ मंदिर है भगवान सूर्य को ये मंदिर आपका यहाँ पर समर्पित है वार्डनगर कस्बे की अगर हम यहाँ पर बात करें इज अंसिपैलिसी अंडर दी महसाणा डिस्ट्रिक्ट यह जो कस्बा है ये महसाणा जिले में आता है गुजरात मल्टी हिस्टोरिक टाउन हिस्ट्री ऑफ वाडनगर स्ट्रेचेस बैक टू नियरली एट्थ सेंचुरी तो बेसिकली ये शहर काफी पुराना है और जिस तरीके से आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के शहरों को देखते हैं जैसे हड़प्पा है मोहनजुदाड़ो है उसी तरह से ये शहर भी काफी पुराना है आठवीं शताब्दी के भी यहाँ पर अवशेष आपके यहाँ पर मौजूद है ऊना कोटी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ त्रिपुरा ये त्रिपुरा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मौजूद है और इसे एनसियंट यानी कि प्राचीन पवित्र स्थान के रूप में भी जाना जाता है नोन एज एन एंसियंट होली प्लेस ठीक है एसोसिएटेड विद शैव वर्शिप तो शैव पूजा से संबंधित ये स्थान है पवित्र स्थान है शैव वर्षिप से रिलेटेड उनाकोटी इन त्रिपुरा तो इन तीनों के नाम याद रखना है लोकेशन याद रखना है और तीनों की स्पेशलिटीज याद रखना है विशेषताएं आपको यहां पर याद रखना है अगर मैं 2021 की बात करूं तो इंडिया प्रपोज टू एड सिक्स साइट्स टू द लिस्ट, यानी कि लास्ट ईयर 2021 में भारत ने छह अलग अलग साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया था जिनकी तस्वीरें आप सभी के सामने हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश देन मेगालिथिक साइट ऑफ हेरे बेंकॉल इन कर्नाटका। देन हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी इसके अलावा मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र इन कौचिपुरम ड़ाघाट लम्हेता घाट इन नर्मदा वैली जबलपुर मध्य प्रदेश दिस वन तो ये छह साइट्स लास्ट ईयर ऐड की गई हैं और अभी अभी लेटेस्टली तीन और साइट्स ऐड की गई हैं, टोटल टेंटेटिव लिस्ट में है बावन साइट्स इंपॉर्टेंट है आगे बात करते हैं क्लियर है सभी को नेक्स्ट एनएफटी एनएफटी प्लेटफॉर्म जिसका नाम है फैन क्रेज टू लॉन्च प्लेयर कार्ड्स ऑफ फोर आई पी एल टीम्स एन एफ टी एनएफटी कार्ड यहां पर यह एक एन एफ टी प्लेटफॉर्म है एन एफ टी नॉन फंजिबल टोकन ठीक है वेब थ्री पॉइंट जीरो कंपनी जिसका नाम है फैन क्रेज सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम है इट इज सेट टू लॉन्च ये बिल्कुल तैयार है लॉन्च करने के लिए चार आईपीएल टीम के ये कार्ड्स यहां पर लॉन्च करेंगे जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉय आपके यहां पर मौजूद है और इनके एन ये बेसिकली एक एन एफ टी प्लेटफॉर्म है और ये एक तरीके के डिजिटल कार्ड्स यहां पर रिलीज करेंगे टोकन रिलीज करेंगे मेटावर्स पर मेटावर्स यानी कि डिजिटल वर्ल्ड तो यहां पर चार आईपीएल टीमें अब आपको मेटावर्स पर भी देखने को मिलेंगी ठीक है क्लियर है मेरी बात कंपनियों टीमों के नाम इंपॉर्टेंट है कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है अब इससे होगा क्या सर ये कार्ड्स क्या हैं और इससे क्या फायदा होगा पहली चीज की डिजिटल फॉर्मेट में फैन क्रेज इनको लॉन्च करेगा तो आप ये कह सकते हैं कि अब मेटावर्स में खिलाड़ी और आईपीएल टीमें भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगी वो भी डिजिटल फॉर्मेट में ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है आभासी दुनिया है जहां पर हर चीज हर एक चीज का अपना अवतार हो सकता है डिजिटल फॉर्मेट में वो चीज वहां पर मौजूद हो सकती है ये एक डिजिटल दुनिया है जैसा हमारी रियल वर्ल्ड है उसी तरह से एक ये डिजिटल वर्ल्ड है

और सुंदर रमन के द्वारा ये द फाउंडिंग चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द आईपीएल पी एज वेल एज दी कुशाग्र कोहली भी इसमें आपके यहाँ पर शामिल हैं तो इन लोगों ने इस कंपनी की शुरुआत यहाँ पर की है हम ये कह सकते हैं कि आई अब डिजिटल वर्ल्ड में मेटावर्स में जाने को तैयार है कंपनी का नाम किन किन टीमों के कार से लॉन्च कर रही है कंपनी कहाँ पर मेटावर्स पर आगे ओके okay. आईपीएल फिर से बात आईपीएल की हो गई और आई थिंक आज से ही आईपीएल में प्लेयर्स की नीलामी आज से शुरू हो रही है ऑक्शन आज से शुरू हो रहा है आईपीएल पी एल सरपासेस टेन बिलियन यूएस डॉलर वैल्यूएशन एंड बिकम डेकाक्रॉन आप लोगों ने यूनिकॉर्न का नाम तो जरूर सुना होगा कि उस कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिया गया है वो कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है यूनिकॉर्न बनने के लिए क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए वन बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन होनी चाहिए तो उस कंपनी को हम यूनिकॉर्न कहेंगे और वन बिलियन की जगह अगर कंपनी के वैल्यूएशन टेन बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर जाए तो हम कहेंगे वो कंपनी अब यूनिकॉर्न नहीं बल्कि आपकी यहां पर हो गई है ओके द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड रिचेस्ट क्रिकेट लीग आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग विच वॉज स्टार्टेड इन टू थाउजेंड एंड एट आईपीएल की शुरुआत दो हजार आठ में हुई थी हैज टर्न इन टू अक्रॉन अब ये कंपनी अब ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डेकाक्रॉन ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है क्रिकेट लीग है अब ये यह डेकाक्रॉन यहाँ पर बन चुकी है क्योंकि इसकी टोटल वैल्यूएशन 10.9 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी है एज पर दस्टिमेट्स बाय दी डी एंड पी एडवाइजरी इस कंपनी के माध्यम से आईपीएल क्रिकेट लीग अब डेका क्रॉन का स्टेटस हासिल कर चुकी है शुरुआत हुई थी आपकी यहाँ पर इस लीग की दो में लीग रिकॉर्डेड इनक्रीज इन रेवेन्यू ओवर द प्रीवियस साइकिल वेन इट सोल्ड इट्स मीडिया राइट फॉर सिक्स पॉइंट टू बिलियन लास्ट अगर हम लोग यहां पर बात करें तो कंपनी लीग की अगर हम बात करें इनका रेवेन्यू तीन चार गुना यहां पर बढ़ गया है जब लास्ट टाइम इन्होंने अपने मीडिया राइट सिक्स पॉइंट टू बिलियन में बेचे थे और उन्होंने कई अलग अलग कंपनियों में अपने मीडिया राइट्स बेचे थे तो पहले ऐसा होता था कि एक ही कंपनी को यहाँ पर राइट्स मिलते थे आई को लॉन्च करने के लिए मतलब आई को घर घर तक पहुँचाने के लिए मीडिया में पहुँचाने के लिए लेकिन अब अलग अलग कंपनियों को मीडिया राइट्स दिए हैं जिससे उन्होंने काफ़ी पैसा अर्न किया है द राइट्स वी आर डिवाइडेड अमंग द न्यूमेरस ब्रॉडकास्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स को इसके मीडिया राइट्स बेचे गए हैं अब कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ही आ, आई पी एल नहीं दिखा सकता अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स आई पी एल को रिलीज कर सकते हैं uh, दिखा सकते हैं द आई पी एल ऑन द अदर हैंड इज द सेकेंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग वर्ल्ड वाइड आई पी एल दुनिया की दूसरी सेकेंड बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग भी है इन टर्म्स ऑफ मनी मेड फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग स्पोर्ट्स जो पैसा ये ब्रॉडकास्टिंग से कमाते हैं उस आधार पर ट्वेल्व मिलियन यू एस डॉलर इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग ईच गेम हर गेम से हर खेल से इन्हें लगभग 12 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई यहां पर होती है पैसा यहां पर आता है और इसी की वजह से आईपीएल की वैल्यूएशन बढ़कर 10 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है यानी कि अब यह कंपनी डेकाक्रॉन यहां पर हो गई है हाँ कह सकते हो एग्जैक्ट फिगर एक बार देखना पड़ेगा एक बार चेक कर लेना शेखर अभी थोड़ा मुझे भी चेक करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट न्यूज डिफेंस से है इंडियन नेवी भारतीय नौसेना को पांचवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन यहां पर मिल गई है वागीर नाम इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन नाम क्या है और यह कौन से नंबर की सबमरीन है यह भी द फिफ्थ यह पांचवी स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन है है नाम वागीर वाज डिलीवर्ड टू द नेवी बाय डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ऑन ट्वेंटी दिसंबर बीस दिसंबर को यह सबमरीन पंडुब्बी यहां पर भारतीय नौसेना को सौंप दी गई है नाम आपके सामने है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है पांचवें नंबर की या पांचवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि भारतीय ती नौसेना को दी गई है इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत आपका यहां पर बनाया गया है तो प्रोजेक्ट 75 क्या है प्रोजेक्ट 75 इंक्लूड्स दी इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्स सबमरीन्स इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में स्वदेशी तौर पर छह सबमरीन आपकी यहां पर बनानी है जो कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होंगी डेवलप्ड बाय द फ्रेंच डिफेंस मेजर यहां पर फ्रेंच आ, फ्रांस की डिफेंस मेजर कंपनी नेवल ग्रुप इसको भी यहां पर शामिल किया गया है एंड स्पेनिश स्टेट ऑन एंटिटी नवनितिया नवंतिया इसको भी यहां पर शामिल किया गया है नवंतिया ये कंपनी है स्पेनिश फ्रेंड्स कंपनी नेवल ग्रुप ये भी इसमें शामिल है इस प्रोजेक्ट में शामिल है दीज सबमरीन्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई इन छह की छह सब को मुंबई मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के प्रमाइसिस में बनाया जाएगा इन कोलैबोरेशन विद द नेवल ग्रुप नेवल ग्रुप के साथ मिलकर तो इन छः में से पाँचवीं सबमरीन भारतीय नेवी को यहाँ पर सौंप दी गई है जो कि आपकी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन होती है अबाउट दी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का क्या मतलब है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आर अ क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन आर अ क्लास ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन ज्वाइंटली डेवलप बाई फ्रेंच नेवल ग्रुप एंड दी स्पेनिश कंपनी निवेंतिया तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ये डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है पनडुब्बिया हैं जिनको प्रोजेक्ट 75 के तहत आपका क्रिएट किया गया है स्कॉर्पियन क्लास अदर की डिटेल की बात करें तो सबसे पहली सबमरीन जो uh, प्रोजेक्ट 75 के तहत आपकी बनाई गई थी उसका नाम था आई एन कालवरी आपने नाम ये सुना होगा अगर आप थोड़ा लंबे समय से 2017 से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपने जरूर सुना होगा इसके बाद सेकंड सबमरीन आई आए थी आईएनएस खानदेरी फिर सितंबर 19 में आई आए थी आईएनएस करंज देन मार्च 2021 में आई आए थी आईएनएस वेला ये तो आपको याद होगा ही आईएनएस वेला और अब पांचवी हो चुकी है आई वागीर ठीक है इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों के नाम आपको याद होनी चाहिए प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं पांच टोटल छह है तो पांच सबमरीन्स कौन कौन सी हैं और प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव के तहत कौन कौन सी सबमरीन बनी है और कौन सी नहीं तो यह थोड़ा सा आपको याद रखने का प्रयास करना होगा आगे बात करते हैं रिलायंस रिटेल्स एफ एम सी एफ एम सी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आम लॉन्चेस पैकेज गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस यहां पर एक ब्रांड लॉन्च किया गया है इस ब्रांड का नाम है इंडिपेंडेंस कण कण में भारत और इस ब्रांड के तहत जो एफ एम सी जी हैं खाने पीने से संबंधित डेली नीड से संबंधित वो प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे तो रिलायंस ने रिलायंस रिटेल ने अपना एक नया गुड्स ब्रांड लॉन्च किया है एफ ब्रांड लॉन्च किया है नाम है इंडिपेंडेंस um, uh, in रिलायंस किया गया है इस ब्रांड को गुजरात में इस ब्रांड को यहां पर लॉन्च किया गया है ओके okay. क्या अभी हाल ही में रिलायंस कंज्यूमर ने ही uh, बिस्लेरी ग्रुप को यहां पर खरीदा था सात हजार करोड़ में यस और नो भारत में सबसे पॉपुलर जो आपका ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड है बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांड बिस्लेरी, उसको क्या टाटा कंज्यूमर ने ही परचेज किया था यस और नो इंडिपेंडेंस ब्रांड की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफर्स आफ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस ब्रांड के तहत आपको मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज में जिसमें स्टेपल फूड्स प्रोसेस फूड और डेली असेंशियल जो डेली नीड की चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेगी ब्रांड स्टैंड फॉर ट्रूली इंडियन ये ब्रांड यहाँ पर बताता है या कहता है कि ये ट्रूली इंडियन है वास्तविक रूप से भारतीय है सोल्यूशन फॉर रियल इंडियन प्रॉब्लम जो भारतीय समस्याओं को सॉल्व करता है विच इज़ आर्टिकुलेटेड एज कण कण में भारत इसकी मतलब बेसिकली एक टैगलाइन है कण कण में भारत प्रोडक्ट्स के लिए देयर बाय इवोकिंग इमोशनल अटैचमेंट्स एंड स्टिलिंग अ सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस अमंग द इंडियंस तो बस आपको यहाँ पर ब्रांड का नाम यहाँ पर याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट बनेगा नेक्स्ट एच सिक्योरिटीज लॉन्चेज इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म नेम इज रूट्स इन्वेस्टर को एजुकेट करने के लिए निवेशक निवेश करने से पहले एजुकेट हो निवेश कैसे करना है कितने समय के लिए करना है निवेश किस तरीके से करना है शेयर मार्केट में कैसे निवेश किया जाता है शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं पहले सीखना होगा एजुकेट होना होगा उसके बाद इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें तो बेसिकली इन्वेस्टर्स एजुकेट हों कि शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है

Uh, bit sized tips. पॉडकास्ट जिनको आप सुन सकते हैं एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट कि कैसे क्या करना है प्लेटफॉर्म इज दैट इट प्रोड्यूस कॉन्टेंट्स विच आर बींग सर्च ऑन गूगल बाई करंट और इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि यह ऐसा कॉन्टेंट प्रोड्यूस करता है जो गूगल पर भी सर्च किया जा सकता है बाई करंट करंट सीनेरियो में और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर और ट्रेडर्स यानी कि इन नेक्स्ट वर्ल्ड पेमेंट वर्ल्ड लाइन सॉरी वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया गेट्स आरबीआई नोड टू एक्ट पेमेंट एग्रीगेटर इन्हें आरबीआई की अप्रूवल यहां पर मिल गई है पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए डिजिटल पेमेंट्स सर्विस प्लेटफॉर्म जो डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है नाम है वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया इन्होंने कहा है कि इन्हें हाल ही में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है काम करने की शुरुआत वो यहां पर कर सकते हैं आरबीआई से इनको यहां पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गई है कि वो भी अब भारत में पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करेंगे जैसे कि पेटीएम वगैरह काम करते हैं ठीक उसी प्रकार वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट इंडिया पार्ट ऑफ वर्ल्ड लाइन ग्रुप ऑफर सोल्यूशन फॉर ऑल शॉर्ट ऑफ पेमेंट नीड्स ऑफरिंग इन स्टोर ऑनलाइन एंड ओमनी चैनल पेमेंट्स टू इट्स कस्टमर जिस तरीके से uh, ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं अलग अलग चैनलों पर भुगतान करने की सुविधा जैसा पेटीएम उपलब्ध कराता है उसी तरह की सुविधा यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मिल पाएगी नेक्स्ट करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन वर्तमान में जो हमारे देश में करेंसी नोट सर्कुलेशन में है करेंसी का इस्तेमाल जो हमारे देश में हो रहा है उसमें लगभग लगभग आठ परसेंट एनुअली यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि वर्तमान में बत्तीस लाख करोड़ रुपए की करेंसी आपकी सर्कुलेशन में सीतारमन ऑन मंडे सेट द नोट इन सर्कुलेशन है आठ परसेंट की वृद्धि के साथ भारत में जो करेंसी सर्कुलेशन है वो लगभग लगभग बत्तीस लाख करोड़ तक आपका पहुंच चुका है इंडिया में अगर हम करेंसी सर्कुलेशन की बात करें क्वांटम ऑफ कैश एंड बैंक नोट्स इन द इकोनमी डिपेंड्स ऑन अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि करेंसी हमारे देश में जो सर्कुलेशन में है यूज हो रही है ये किस तरीके से इनकी जो संख्या बढ़ी है या करेंसी सर्कुलेशन में इंक्रीज हुई है तो कैसे हुई है मतलब क्या तरीका क्या है तो ये द क्वांटम ऑफ कैश और बैंक नोट्स इन द इकॉनमी डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग द डिमांड फॉर बैंक नोट्स ड्यू टू जी डी पी ग्रोथ इन्फ्लेशन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द स्वर्ल्ड बैंक नोट्स स्वर्ल्ड बैंक नोट्स ऐसे नोट्स होते हैं जो खराब हो चुके होते हैं या जो बीच से कटे फटे होते हैं यूज़ करने लायक नहीं होते तो इन सारी चीज़ों तो पे डिपेंड करता है कि जो नई करेंसी सर्कुलेशन में आती है उनकी डिमांड क्या है सारी चीज़ें इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्या है जीडीपी कितना ग्रो कर रही है इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आर कितनी नई करेंसी प्रिंट करता है और फिर जब नई करेंसी प्रिंट होती है तो फिर नई करेंसी सर्कुलेशन में आती है तो आठ की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है ओके okay, तो चलिए सेशन की समाप्ति होने को आई है ये तीन प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको होमवर्क के तौर पर करना है ठीक है तो फटाफट से ले लो इनका स्क्रीनशॉट इन तीनों ही प्रश्नों का आंसर आप करेंगे होमवर्क के तौर पर सभी लोगों को ये क्वेश्चन ये होमवर्क यहां पर करना है एक बार यस लिखकर बताओ कि हाँ सर बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है हम सभी होमवर्क करेंगे सीके नायडू कब सिरोही राष्ट्रीय सिरोही नेशनल पार्क और कूना कुना इज अ करेंसी ऑफ विच कंट्री सिंपल से क्वेश्चन है स्टैटिक के क्वेश्चन से तो मैं चाहूंगा कि आप सभी इन प्रश्नों के आंसर कहें सभी लोग इनके आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे सेशन कंप्लीट होने के बाद से यस एवरी वन ओके याद रखिएगा 2 पीएम आज दोपहर दो, दो बजे जीके टॉन्ड्रो का सेशन होगा तो जीके टोर्नेडो के सेशन में हम लोग कल 50 एमसीक्यूज का रिवीजन कंप्लीट कर चुके थे तो दो दो वगैरह के लिए साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आप सभी के कमेंट सेक्शन में है वहां से भी आप डायरेक्टली यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे आज के लिए इतना ही मुलाकात होगी कल सुबह आठ बजे डेली करंट अफेयर्स में और आज दोपहर दो बजे जीके टोर्निडो सेशन में तो जुड़ना मत भूलिया जुड़ना जो, मत भूलिएगा करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए थैंक यू की